गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स कॉपी। आज मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश मैथ्स कॉपी में पढ़ाने जा रही हूँ। टेक आउट योर हिंदी कॉपी। सबसे पहले आप लोग हिंदी कॉपी निकालिए। ओके स्टूडेंट्स, ये है आप लोग की हिंदी कॉपी। देखिए इसमें क्या आप लोग को पढ़ना है। देख कर लिखें। क्या पढ़ना है? देख कर लिखें। री, री से क्या होता है? ऋषि। री से क्या होता है? ऋषि। हम लोग को आज री लिखना है। यहाँ देखिए एक लाइन में लिख के दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखेंगे, फिर ये हो गया री। आप लोग बोल बोल के लिखिएगा। ऋषि क्या होता है? ऋषि होता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग लिखिएगा। और ये देखिए ये सीधी लाइन है, आप लोगों को इसी तरह से लाइनिंग करवाना है घर पे, और इस सीधे सीधे आप लोगों को लिखना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में भी हम लोगों को देख कर लिखना है। ए, ए से क्या होता है? एड़ी। ए से क्या होता है? एड़ी। एक लाइन में आप लोग को लिख के दिखा रही हूँ। ए, ए से एड़ी। ए, ए से एड़ी। इस तरह से आप लोग सीधा लाइन खींचे, फिर हल्का तिरछा कर दीजिए और ये इस तरह से मिला दीजिए। ये हो गया ए। इसी तरह से आप लोग सीधे सीधे लिखिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या है। मिलान करें। क्या करना है? मिलान करना है। तो अ, अ को आप लोग को इस साइड से खोज के अ लिखना है, ठीक है। तो अ लिखना नहीं है, सॉरी, अ से अ को अ का मिलान करना है इस तरह से। फिर देखिए यहाँ आ है, फिर आ से मिलान करेंगे हम लोग। यहाँ से लेते हुए आ खोजेंगे और आ से मिलान करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। इंग्लिश में हम लोग को देखिए क्या पढ़ना है। सी एंड राइट। हम लोग को जी लिखना है। जी फॉर क्या होता है? जी फॉर ग्रेप्स होता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग जी लिखिएगा इस तरह से। ये हो गया जी, ये हो गया जी। देखिए जी कितने लाइन में लिखा गया है? 1 2 3। कितना लाइन है? 1 2 3 लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। आप लोग जी को इसी तरह से लिखिएगा सीधे सीधे। अब हम लोग एच लिखेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है। सी एंड राइट। देखना है और लिखना है एच। क्या लिखना है? एच। एच फॉर क्या होता है? हैट होता है। ये देखिए एच लिखना बहुत ही आसान है। हम लोग दो सीधी लाइन खींचेंगे और बीच में इसे हम लोग मिला देंगे। ये हो गया एच। एच फॉर हैट, इस तरह से, ठीक है। आप लोग ऐसे ही सीधे सीधे लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में मैच ईच वर्ड विथ पिक्चर्स। हम लोग को प्रत्येक वर्ड को पिक्चर से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ एप्पल है। अब हम लोग को ए खोज के लिखना है। ए फॉर एप्पल होता है। ए कहाँ है? देखिए ए यहाँ पे है। तो हम लोग एप्पल को ए से मिला देंगे। ये हो गया एप्पल। यहाँ देखिए ये बॉल है। बी फॉर बॉल होता है। बी से हम लोग इस तरह से मिला देंगे। बी फॉर बॉल। इसी तरह से आप लोग सारे पिक्चर को वर्ड के साथ मिलाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं मैथ सब्जेक्ट पे। मैथ्स में देखिए सी एंड राइट है। हम लोग को सिक्स लिखना है देखकर। यहाँ देखिए इस तरह से सिक्स हो गया। देखिए ये हो गया सिक्स। इसी तरह फिर एक बॉक्स छोड़ के हम लोग यहाँ लिखेंगे सिक्स। ओके स्टूडेंट्स,
और हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, सी एंड राइट सेवन, देखना है और लिखना क्या है हम लोग को, सेवन लिखना है। देखिए इस तरह से सेवन हो गया, ये हो गया सेवन, फिर एक बॉक्स छोड़ के हम लोग दूसरे बॉक्स में लिखेंगे सेवन इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, काउंट एंड मैच द नंबर्स, काउंट करना है और नंबर से मैच करना है, ठीक है। वन टू थ्री, कितना है ये स्टार, वन टू थ्री, यहाँ देखिए थ्री यहाँ लिखा हुआ है और हम लोग इसे इससे मैच कर देंगे। फिर यहाँ बॉल देखिए, वन टू थ्री फोर, फोर है, फोर यहाँ है देखिए, फोर से हम लोग इसे मैच कर देंगे। यहाँ देखिए एप्पल है, वन टू, टू एप्पल है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू, टू से मैच कर देंगे। यहाँ देखिए कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले सेवन लिखा हुआ है, इससे हम लोग इसे मैच करेंगे। फिर यहाँ देखिए पेन है, पेन को काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है, फाइव कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो फाइव से हम लोग पेन को मैच कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग का यही होमवर्क है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स आप लोगों को कॉपी में बनाना है। होमवर्क आप लोग बोर्ड से नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। दिस इज़ योर टुडे होमवर्क, ये आज का होमवर्क है आप लोगों का, हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स डू इन कॉपीज, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, हिंदी इंग्लिश मैथ्स कॉपी में आप लोग को बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।